चारों तरफ देश खेमों में बटा है, खेमों में बटा है, चिकित्सा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, खेती के नाम पर, व्यापार के नाम पर, जाति धर्म मत पंथ संप्रदाय के नाम पर खेमों में बटे हैं हम, भाषाओं के नाम पर, वेशभूषाओं के नाम पर। और माने एक ईश्वर की संतान होकर के, एक ऋषियों की संतान होकर के, एक भारत माता के अमर यशस्वी वीर वीरांगनाओं की, ऋषि ऋषिकाओं की हम संतान, उनके वंशज, उनके उत्तराधिकारी होकर के जिस तरह से हम आपस में बट जाते हैं और जातियों के नाम पर जहर फैला करके और फिर अपने मंसूबे पूरे करने वाले तथा कथित कुछ जातिवादी लोग, सांप्रदायिक लोग, कुछ बुरे राजनेता, कुछ बुरे अभिनेता, कुछ बुरे तथा कथित धार्मिक लोग, माने मैं कठोर शब्द बोलूं तो कुछ षड्यंत्रकारी धार्मिक लोग, कुछ षड्यंत्रकारी राजनेता, कुछ षड्यंत्रकारी जातियों के नेता, जातियों के हमारे यहां पर नेता है, संप्रदायों के भी नेता, मत पंथों के, और उन्होंने गिरोह बना रखे हैं। और इस तरह के कबीले तैयार करके समाज को तोड़ने की कोशिश की जाती है। मैं आपको इन संघर्षों के बीच में हम कैसे समाधान तक पहुंचे, कैसे सत्य तक पहुंचे, मैं एक एक करके कुछ बातें कहना चाहता हूं। एक बात तो मैंने जातियों के संदर्भ में की, मैं तो वेद धर्म और राष्ट्र धर्म को, सेवा धर्म को, योग धर्म, मानव धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूं। तो वेद में कहा कि भाई यह शेर ब्राह्मण है, ये भुजाएं क्षत्रिय हैं, पेट वैश्य है, और ये पैर जो है वो उनको शूद्र की संज्ञा दी, ये सेवा भी करते हैं और जीवन में हम पवित्रता के पथ पर भी आगे बढ़ते हैं। अब चारवर्ण आश्रम धर्म तो अपने भीतर है, भेद कहाँ रह गया? और मैंने कहा कि ब्राह्मण से मुखम आसित बाहु राजन्यः कृता उरु तदस्य यद वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। तो कोई मैंने वेद विरुद्ध बात तो नहीं कही, धर्म विरुद्ध तो बात नहीं कही, राष्ट्र विरुद्ध तो बात नहीं कही। मैं तो वेद के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, राष्ट्र के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हूं, तो कहां इसमें भेद आ गया? कुछ बिल्कुल सिंपल बातें बताता हूं, 5-7 संदर्भों में। सबको पता है कि हम सब इंसान हैं और सारी दुनिया इंसानियत की बात कर रही है, मानवता की बात कर रही है, पूरी दुनिया में जातियों का कोई जहर नहीं है। ठीक है, वहां पर भी अलग तरह के क्लासेस हैं, हायर क्लास, मीडियम क्लास, लोअर क्लास, ये तो हैं, अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं, उन सबके अलग अलग गुट हैं, ये सब है, लेकिन जाति नाम का जहर नहीं है। और देखने में दिख रहा है भाई कि सब मनुष्यों के भीतर एक ही जैसे पंच तत्व हैं, एक ही जैसी पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, आत्मा, और सबके बीच में परमात्मा एक है, एकम ब्रह्म, एक ही ब्रह्म सर्वत्र है, धर्म यही कहता है, वेद यही कहते हैं और सत्य भी यही है, और ये सारा अस्तित्व उसी ब्रह्म का विश्वमय, विश्वातीत, मूर्त अमूर्त, सगुण साकार, निर्गुण निराकार रूप है, उसकी व्यक्त अव्यक्त उसी का लाइव एक्सप्रेशन है ये सारा जगत। तो फिर भेद कहाँ रह गया? तो ये तो भेदभाव का जहर, डिस्क्रिमिनेशन,
जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, देशों के नाम पर, स्त्री और पुरुषों के नाम पर। ये तो एक विवेकशील आदमी को कभी इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। किस बात का भेद? वेद में कोई भेद नहीं है। भारत के सभी लोग वेद को मानते हैं और वेद में कोई भेद नहीं है। सब एक समान है, सभी महान है, सभी में, सभी आत्मा में परमात्मा है। तो भेद कहां रह गया? वेद के नाम पर भेद, भेदभाव, ये मैं इसको कहूंगा ये धार्मिक अपराध है, यह आध्यात्मिक अपराध है, यह सामाजिक अपराध है। मैं इसको आध्यात्मिक शब्दों में कहूं, मैंने तो व्याकरण शास्त्र से लेकर के वेद शास्त्र पढ़े हैं और स्मरण है मुझे, ये ब्रह्म अपराध है। सब में एक ही ब्रह्म है। ये वेदों का, ये गीता का, रामायण महाभारत का, ये उपनिषदों का, ये स्मृतियों का, सारे शास्त्रों का संदेश है। खैर, तो भेदभाव बचपन से ही हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है। ब्राह्मण ऐसा होता है, क्षत्रिय ऐसा होता है, वैश्य ऐसा होता है, शूद्र ऐसा होता है। और इस भेदभाव में हम ये समझते हैं कि ये भेदभाव की शिक्षा देकर हम कोई धर्म का काम कर रहे हैं, आप अधर्म कर रहे हो। बचपन में ये भेदभाव खत्म हो जाए, मैं ऐसे विचार, ऐसी शिक्षा, ऐसी संस्कृति, ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता हूं और उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये खत्म होगा।